हैरी पॉटर की बुक्स और मूवीज पर तो मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, पर आज हम उस इंसान की कहानी जानेंगे जिसने हमें इस जादुई दुनिया से इंट्रोड्यूस कराया, यानी कि हैरी पॉटर की ऑथर जेके रॉलिंग। इस वीडियो में उनकी कंप्लीट लाइफ स्टोरी है, यानी कि उनका बचपन कैसा था, कब उन्होंने हैरी पॉटर की कहानी लिखना शुरू किया, उन्होंने कौन कौन से मुश्किलों का सामना किया, फेम मिलने से पहले उनकी लाइफ कैसी थी, आज हम इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वैसे तो हम उन्हें जेके रॉलिंग के नाम से जानते हैं, बट ये उनका पेन नेम था। इस नाम के पीछे भी एक अलग ही कहानी है जो कि हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो जेके रॉलिंग का रियल नेम जोएन रॉलिंग है। जोएन का जन्म 31 जुलाई 1965 को ये ग्लौसेस्टरशायर शहर में हुआ था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि हैरी पॉटर का भी बर्थडे 31 जुलाई को ही है। जोएन एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। जोएन के पेरेंट्स एन और पीटर पहली बार किंग्स क्रॉस स्टेशन पर मिले थे, शायद इसीलिए इस पूरी सीरीज में किंग्स क्रॉस स्टेशन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है। जोएन के पिता एक एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और माँ एन एक साइंस टेक्नीशियन थी, जो आगे चल के जोएन के स्कूल में काम करने लगी। जोएन के पेरेंट्स को हमेशा से ही एक लड़का चाहिए था, पर जब जोएन पैदा हुई तब वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए और उसके बाद वो उसे हमेशा एक लड़के की तरह ट्रीट करने लगे। वो उसे हमेशा ब्लू कलर के ही कपड़े पहनाते थे और जोएन की एक छोटी बहन डियान भी थी जो कि उससे 2 साल छोटी थी। दोनों बहनें एक जैसे कपड़े ही पहना करते थे। डियान हमेशा पिंक पहना करती थी और जोएन ब्लू, मतलब उसके पेरेंट्स डियान को नॉर्मली ट्रीट करते थे पर जोएन को बिल्कुल भी नहीं। जोएन ये बात जानती थी, इसलिए जब डियान पैदा हुई तब जोएन ने अपने पेरेंट्स से पूछा कि क्या वो इस बात से दुखी है कि डियान एक लड़का नहीं है। तब उसके पेरेंट्स ने ना में जवाब दिया, जो सुनकर जोएन काफी ज्यादा अपसेट हो गई और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। जब जोएन 4 साल की हुई तब उसकी फैमिली विंटरबर्न में शिफ्ट हुई और इस घर में सीढ़ियों के नीचे ठीक वैसी ही अलमारी थी जैसे कि हमने डर्सलीज के घर पर देखा था। रोलिंग फैमिली के पास में ही एक फैमिली रहा करती थी जिन्हें पॉटर कहते थे और ये नाम जोएन को हमेशा से ही पसंद था। जब जोएन 9 साल की हुई तब उसकी फैमिली चेपस्टाउ गांव के पास शिफ्ट हुई जो कि फॉरेस्ट ऑफ डीन के एज पर था, वही फॉरेस्ट ऑफ डीन जो हमने डेथली हैलोस पार्ट 1 मूवी में देखा है। जेके रोलिंग को फॉरेस्ट से बहुत ही अलग लगाव था, यही वजह थी कि हॉगवर्ट्स में ज्यादातर हिस्सा फॉरबिडन फॉरेस्ट से घिरा हुआ था। जोएन को अपनी दादी फ्रीडा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और आंट मार्च का कैरेक्टर दरअसल उनकी दादी फ्रीडा से ही इंस्पायर्ड है। जोएन को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और जब जोएन 6 साल की हुई थी तब पहली बार जोएन ने एक रैबिट की कहानी लिखी थी। जब जोएन 12 साल की हुई तब जोएन ने एक और शॉर्ट स्टोरी लिखा जो कि 7 कर्स्ड डायमंड पर था। जोएन को ट्रेन्स भी बहुत पसंद थे, यही वजह थी कि जादू दुनिया में बच्चे ट्रेन से ही हॉगवर्ट्स जाते थे। जब जोएन 12 साल की थी और डियान 10 साल की तब वो दोनों एक्स्ट्रा पॉकेट मनी के लिए सेंट ल्यूक चर्च में पार्ट टाइम क्लीनिंग का काम करते थे। जोएन अपने परिवार में चर्च सर्विसेज अटेंड करने वाली इकलौती मेंबर थी। आज के टाइम पर जेके रॉलिंग गॉड और रिलीजन को लेकर कई चीजों में डाउटफुल है, पर उनका कहना है कि वो अब भी गॉड में बिलीव करती है और उन्हें आफ्टर लाइफ में भी यकीन है। जब जोएन एक टीनेजर थी तब उसकी आंटी ने उसे एक किताब गिफ्ट की जो कि एक सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जेसिका मिटफोर्ड की एक ऑटोबायोग्राफी थी। इस बुक को पढ़ते ही जोएन जेसिका की फैन बन गई और वो उनकी सारी किताबें पढ़ने लगी। आगे चलकर रॉलिंग ने अपनी पहली बेटी का नाम भी इसी ऑथर के नाम पर जेसिका रखा था। अपनी सेकेंडरी स्कूल के दौरान जोएन शॉन हैरिस से मिली जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। दोनों ही 9 साल की उम्र में शिफ्ट हुए थे, इसलिए दोनों ही आउटसाइडर्स की तरह फील करते थे। शॉन और रॉलिंग एक दूसरे के साथ सारी बातें शेयर करते थे और शॉन रॉलिंग के दोस्तों में पहला इंसान था जिसने ड्राइविंग टेस्ट पास किया था और उसके पास फोर्ड एंग्लिया कार भी था, वही सेम कार जो कि हमने चेंबर ऑफ सीक्रेट्स मूवी में देखा था। अक्सर वो शॉन के साथ लॉन्ग ड्राइव्स पर जाती थी और शॉन वो पहला इंसान था जिसे रॉलिंग ने अपने सपने के बारे में बताया था कि वो एक राइटर बनना चाहती है और शॉन ये पहला इंसान था जो कि ये सोचता था कि रॉलिंग सक्सेसफुल जरूर होगी। शॉन ने हमेशा रॉलिंग का साथ दिया और रॉलिंग का कहना था कि रॉन का कैरेक्टर बिल्कुल शॉन की तरह है क्योंकि रॉन ने भी हैरी का हमेशा साथ दिया था। साल 1980 में जब जेके रोलिंग सिर्फ 15 साल की थी तब उन्हें पता चला कि उनकी माँ को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। अब उस वक्त इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था और ना चाहते हुए भी रोलिंग को अपनी माँ को सफर करते हुए देखना पड़ा जो कि उनके लिए काफी ज्यादा दर्दनाक था। अपनी स्कूल लाइफ के दौरान रोलिंग की एक टीचर थी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और रोलिंग उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती थी और उन्हीं से रोलिंग को प्रोफेसर अम्ब्रिज के कैरेक्टर का इंस्पिरेशन मिला। इसके बाद रोलिंग ने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटर से फ्रेंच और क्लासिक्स में डिग्री हासिल की। वो यूनिवर्सिटी में एक एवरेज स्टूडेंट थी क्योंकि ज्यादातर वक्त वो डिकेंस और टोलकिंस की किताबें पढ़ा करती थी। ग्रेजुएशन के बाद रोलिंग लंदन आई जहां पर वो बायलिंगुअल सेक्रेटरी के तौर पर काम करने लगी। एक दिन जब वो मैनचेस्टर से लंदन जा रही थी तब उनके
उनकी ट्रेन 4 घंटे डिले हो गई और उसी दौरान वेट करते टाइम उन्हें हैरी पॉटर का आइडिया आया, जिससे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। उस वक्त उनके पास कुछ भी नहीं था कि वो अपने आइडियाज को नोट डाउन कर सके। 4 घंटों तक उन्होंने सारे आइडियाज को अपने दिमाग में ही रखा और घर आते ही सबसे पहले उन्होंने सारे आइडियाज को नोट डाउन किया और उन्होंने ये फैसला किया कि वो एक किताब लिखेंगी। जेके रोलिंग ने 6 महीनों तक हैरी पॉटर पर काम किया और किताब लिखना शुरू किया, पर अनफॉर्चुनेटली 30 दिसंबर 1990 को ही उनकी माँ की डेथ हो गई और उन्हें हैरी पॉटर के बारे में कभी पता नहीं चल पाया, क्योंकि रोलिंग ने उन्हें इस बारे में कभी बताया ही नहीं था। अपनी माँ की मौत के बाद जेके रोलिंग काफी ज्यादा टूट गई और उनका कहना था कि उनकी मॉम की डेथ के बाद हैरी पॉटर के प्लॉट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ और भी ज्यादा डीप और डार्क होता गया। रोलिंग को आज तक इस बात का अफसोस है कि वो अपनी मॉम को आखिरी बार नहीं देख पाई। उनके डैड नहीं चाहते थे कि वो अपनी मॉम को इस हालत में देखे, पर रोलिंग अपनी माँ को आखिरी बार देखना चाहती थी, क्योंकि उनका मानना था कि सच के साथ जीना ज्यादा आसान होता है झूठ के कंपैरिजन में। आज तक रोलिंग को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपने पिता के डिसीजन को मान लिया था। रोलिंग और उनकी बहन डियान के उनके पिता के साथ रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। जोएन बचपन से ही अपने पिता से काफी डरा करती थी, पर वो हमेशा ही उन्हें खुश करने की कोशिश करती थी। पर आगे चल के एक समय आया जब उन्हें ये रियलाइज हो गया कि वो उन्हें और प्लीज नहीं कर सकती, और इसका सबसे मेन रीजन ये था कि एन के मरने के 2 सालों के अंदर ही पीटर ने अपनी सेक्रेटरी से शादी कर ली और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए। इसके बाद जेके रोलिंग ने कभी भी अपने पिता से बात नहीं की। हैरी पॉटर की कहानी में हैरी के पास इतने फादर फिगर्स इसलिए हैं क्योंकि रोलिंग के रिश्ते उनके पिता के साथ अच्छे बिल्कुल नहीं थे। इसके बाद जेके रोलिंग पोर्टुगल शिफ्ट हुई, जहां पर उन्होंने इंग्लिश टीचर का जॉब एक्सेप्ट किया। वहां पर 5 महीने बाद वो जॉर्ज एरेंटस नाम के आदमी से मिली, जो कि एक टेलीविजन जर्नलिस्ट था। साल 1992 में वो दोनों लंदन आना चाहते थे ताकि रोलिंग एरेंटस को अपनी फैमिली से मिला सके, पर उसी टाइम पर रोलिंग का मिसकैरेज हो गया। इनकी रिलेशनशिप काफी ट्रबल्ड थी, पर फिर भी 16 अक्टूबर 1992 को इन दोनों ने शादी कर ली और फिर इसके बाद इनकी बेटी जेसिका का जन्म हुआ। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि रोलिंग ने अपनी बेटी का नाम अपनी फेवरेट ऑथर जेसिका मिटफोर्ड के नाम पर रखा था। अब तक जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन यानी कि पार्ट 1 के पहले 3 चैप्टर्स फिनिश कर लिए थे, पर रोलिंग की मैरिज लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जॉर्ज अक्सर रोलिंग पर हाथ उठाया करता था और जेसिका के जन्म के लगभग 3.5 महीने यानी कि 17 नवंबर 1993 को रोलिंग और जॉर्ज अलग हो गए। जॉर्ज ने रोलिंग को अकेले ही घर से बाहर निकाल दिया और उसके बाद अगली सुबह रोलिंग पुलिस के साथ वहां आई ताकि वो अपनी बेटी जेसिका और अपना सामान वहां से ले जा सके। इसके बाद रोलिंग अपनी बेटी जेसिका के साथ ब्रिटेन आई और अब उन्हें सब कुछ शुरू से बिल्ड करना पड़ा था, क्योंकि रोलिंग अनएम्प्लॉयड थी और वो एक सिंगल मदर थी। वो पूरी तरह से स्टेट बेनिफिट्स पर गुजारा कर रही थी और अब वो खाना स्किप करने लगी थी ताकि वो अपनी बेटी का पेट भर सके। एक बार तो उनके पास घर का रेंट देने तक के पैसे नहीं थे, तब उन्होंने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए। लाइफ में इतनी सारी मुसीबतों के कारण रोलिंग डिप्रेशन में चली गई और उन्हें हमेशा चिंता लगी रहती थी कि कहीं उनकी बेटी को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उनकी बेटी ही उन्हें सारी मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत देती थी। उन्हें एक नमनेस फील होती थी, मानो वो कभी भी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगी, जैसे कि जिंदगी से सारे रंग उड़ गए हो। उनके डिप्रेशन के कारण ही डिमेंटर्स का जन्म हुआ, जिसे हमने हैरी पॉटर की मूवीज में देखा है। रोलिंग ने ठान लिया था कि वो अपनी बुक को पूरा करेंगी। वो एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल करने का सोच रही थी, पर वो ये जानती थी कि एक बार ये कोर्स स्टार्ट हो गया तो उन्हें बुक लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने ये ठान लिया था कि ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही वो अपनी किताब को पूरा कर लेगी। रोलिंग जेसिका को लेकर कैफेस में जाने लगी, जहां पर जैसे ही जेसिका सो जाती रोलिंग अपनी किताब पर काम शुरू कर देती थी। अक्सर रोलिंग निकोलसन कैफे में जाया करती थी, जो कि उनके ब्रदर इन लॉ का कैफे था। फाइनली रोलिंग ने फर्स्ट बुक कंप्लीट किया और अब वो इस बुक को पब्लिश करवाना चाहती थी। उन्होंने कैरेक्टर्स के कई ड्राइंग्स भी तैयार किए और लास्ट बुक का लास्ट चैप्टर पहले ही लिख लिया था, ताकि वो खुद को ये यकीन दिला सके और खुद को कॉन्फिडेंस दे सके कि एक दिन वो 7th बुक को पूरा करेगी और इस चैप्टर तक पहुंचेगी। जून 1995 में जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन कंप्लीट कर लिया था और अब वक्त था इसे पब्लिश करने का। रोलिंग ने बहुत से पब्लिशिंग कंपनीज को अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेजा, पर उन्होंने इस बुक को रिजेक्ट कर लिया। लगातार 12 पब्लिशिंग हाउसेस ने इस बुक को रिजेक्ट किया। इतने सारे रिजेक्शंस फेस करने के बाद फाइनली ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस इस बुक को पब्लिश करने के लिए मान गई। रोलिंग ने उन्हें इस बुक से रिलेटेड पूरी कहानी बताई और सीक्वल्स के बारे में भी बताया, और ब्लूम्सबरी ना सिर्फ फर्स्ट पार्ट बल्कि सारे पार्ट्स पब्लिश करने के लिए मान गई।
पर पब्लिशर ने उनसे एक रिक्वेस्ट किया कि वो अपना एक पेन नेम रख ले, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर बुक पर एक फीमेल ऑथर का नाम होगा तो यंग बॉयज इस बुक को नहीं खरीदेंगे। यही वजह थी कि जोएन ने अपना पेन नेम जेके रोलिंग रख लिया, जिसमें के का मतलब था कैथलीन, जो कि उनकी दादी का नाम था। जेके रोलिंग का सपना अब फाइनली सच हो रहा था। जेके रोलिंग की बुक जब मार्केट में आई तब जल्दी ही उसके सारे कॉपीज बिक गए और हैरी पॉटर इतना पॉपुलर हुआ कि यूएस में इसके पब्लिशिंग राइट्स को लेकर ऑक्शन करना पड़ा कि किस पब्लिशिंग हाउस को इस बुक को पब्लिश करने का मौका मिलेगा। फाइनली यूएस में स्कॉलास्टिक कॉर्पोरेशन ने इस ऑक्शन को जीत कर $105 में इसके राइट्स को खरीद लिया। इसके बाद जेके रोलिंग की लाइफ पूरी तरह से बदल गई। उन पैसों से जेके रोलिंग ने एक फ्लैट खरीदा और अब सबसे खुशी की बात ये थी कि अब वो फुल टाइम राइटर बन सकती थी, जो कि उनका सपना था। उन्होंने आगे के पार्ट्स लिखना शुरू किया और नेक्स्ट पार्ट यानी कि चेंबर ऑफ सीक्रेट्स बुक को उन्होंने अपने फ्रेंड शॉन हैरिस को डेडिकेट किया। फिर 1999 में प्रिजनर ऑफ अज़्काबान और 2000 में गॉबलेट ऑफ फायर रिलीज हुआ और सबकी सेल्स मिलियंस में थी। जेके रोलिंग उन चुनिंदा ऑथर्स में से एक थी जो कि न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर लिस्ट में थी, पर इसके साथ ही जेके रोलिंग को काफी कुछ झेलना भी पड़ा, जैसे कि कई क्रिश्चियन ग्रुप्स ने रोलिंग पर अटैक करते हुए कहा कि वो काले जादू को प्रमोट कर रही है। और इतना ही नहीं, लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया कि वो खुद काला जादू करती है, जिस कारण जेके रोलिंग को डेथ थ्रेट्स मिलने लगे। जेके रोलिंग से ये भी कहा गया कि उन्हें बच्चों के बुक्स को इतना डार्क एंडिंग नहीं देना चाहिए और कहानी में इतनी सारी मौतें भी नहीं होनी चाहिए। इसके जवाब में जेके रोलिंग ने उन सभी लोगों को लिखा कि उन्हें इन किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कहानी वैसे ही लिखेंगी जैसे कि वो चाहती हैं। इसके अलावा जर्नलिस्ट जेके रोलिंग के दरवाजे पर आने लगे और वो उनके पुराने दोस्तों के पास भी जाने लगे ताकि वो रोलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल सके। इतना ही नहीं, वो जर्नलिस्ट उनके पिता के घर भी गए और उनसे ये सवाल किया कि आखिर उनकी बेटी उनसे नफरत क्यों करती है, और इस बात से जेके रोलिंग और उनके पिता की दूरी और भी ज्यादा बढ़ गई। जेके रोलिंग को कई प्रोडक्शन कंपनीज ने अप्रोच करना शुरू किया ताकि वो हैरी पॉटर पर फिल्म्स बना सके। फाइनली रोलिंग ने वार्नर ब्रदर्स का ऑफर एक्सेप्ट किया और उन्हें हैरी पॉटर की मूवीज बनाने का मौका दिया, पर उनकी कुछ कंडीशंस थी, जैसे कि मूवीज उनकी बुक्स पर ही होनी चाहिए और मूवी का स्क्रिप्ट जेके रोलिंग ही अप्रूव करेंगी। साल 2001 में जेके रोलिंग एक डॉक्टर नील मरे से मिली, जिनसे उन्होंने शादी कर ली और आगे चलकर उनके दो बच्चे हुए, डेविड और मैकेंजी। साल 2000 में गॉबलेट ऑफ फायर बुक रिलीज हुई, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, पर जब दो साल बाद भी फिफ्थ पार्ट रिलीज नहीं हुआ तब रोलिंग के बारे में ये रूमर्स फैलने लगे कि उनके पास आइडियाज अब बचे ही नहीं है। पर रोलिंग ने इन सारी अफवाहों को दूर करते हुए कहा कि उन्हें इस बुक को लिखने में इतना वक्त इसलिए लग रहा है क्योंकि ये अब तक का सबसे लेंथीएस्ट और डिटेल्ड बुक है। फाइनली जून 2003 में ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स बुक रिलीज हुई और पहले ही दिन इसकी मिलियंस में सेल्स हुई और इस बुक ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इसके बाद 2005 में हाफ ब्लड प्रिंस रिलीज हुई और 24 घंटे के अंदर ही इस किताब की 9 मिलियन कॉपीज बिक गई। जेके रोलिंग ने लास्ट पार्ट यानी कि डेथली हैलोस पर काम शुरू किया और जब इसका थोड़ा सा हिस्सा लिखना बाकी रह गया था तब उन्होंने खुद को एक होटल रूम में लॉक कर दिया और फिर उन्होंने इस बुक को कम्प्लीट किया। जब डेथली हैलोस रिलीज हुई तब एक बार फिर इसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और पहले 24 घंटे के अंदर ही इसके 11 मिलियन कॉपीज बिक गए। साल 2012 में रोलिंग ने पॉटरमोर वेबसाइट शुरू किया, जो आगे चलकर विजिटिंग वर्ल्ड डिजिटल बन गया। इस वेबसाइट पर रोलिंग जादुई दुनिया से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगी जो कि किताबों में नहीं है। और आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर मिलती है। रोलिंग ने कई कॉजेज के लिए डोनेट किया है, पर उनकी डोनेशंस का काफी ज्यादा हिस्सा मल्टीपल स्क्लेरोसिस के रिसर्च के लिए किया गया है। ये वही बीमारी थी जिसने उनकी माँ की जान ली थी। कोविड के दौरान भी उन्होंने 6 figures अमाउंट डोनेट किया था। रोलिंग ने फैंटास्टिक बीस्ट की सीरीज में भी एज अ स्क्रीन राइटर काम किया। रोलिंग ने अपनी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स फेस की, जैसे कि कम उम्र में ही उन्होंने अपनी माँ को खो दिया था और उनके फादर के साथ भी उनके रिलेशंस अच्छे नहीं थे। इसके बाद उनकी शादी भी टूट गई और वो एक सिंगल मदर थी। फाइनेंशियली भी वो सिक्योर नहीं थी और एक वक्त ऐसा आया कि वो डिप्रेशन में चली गई, पर इसके बावजूद उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। मुसीबतें होने के बावजूद वो अपना काम करती रही और रुकी नहीं, और फाइनली वो सक्सेसफुल हो गई। तो गाइस, ये थी जेके रोलिंग की पूरी कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।